हेलो प्यारे बच्चों, आज दे इस वीडियो दे विच मैं अभ्यास 6.1 दे पहले नंबर वाले जिहड़े सम्स है वह कर जा रहा हाँ। तो हेठ लिखिया संख्यावां दे वर्गां दे इकाई दे अंक की होणगे। आ कुछ संख्यावां हन सानूं दित्तियां होईआं, इन्हां दे वर्ग जेकर असीं कर लईए तो उन्हां दे इकाई दा अंक जिहड़ा है वह की होवेगा, ये आपां जिहड़ा है फाइंड करना है। तो सब तो पहला 272 है पहला सवाल, ये वर्ग के इकाई के अंक से क्या होगा ये समझने वास्ते पहला मैं पहला पूरा वर्ग पता कर लेना है। पर जो सवाल है सासी वो पूरा वर्ग पता करने की लोड़ नहीं, मैं सिर्फ तुहानू समझाने लई पहला सवाल जिहड़ा है पहला पार्ट जिहड़ा है वो इस तरह कर रहा हाँ। वैसे अगले पार्ट जिहड़े है वो जिहड़े है जिस तरीके दे नाल जिहड़े करने वो डिटेल दे विच नहीं करने, सिर्फ मैं तुहानू समझाने वास्ते कर रहा हाँ। तो 272 का असी जो वर्ग पता करिए पूरा 272 272 ना गुणा कर दे तो वह वर्ग बन जाता है 73,984। तो हम फिर यद वर्ग तो यह बन गया, तो यदि इकाई के अंक से कि आ गया 4, यानी कि इस सवाल का साढ़ा आंसर कि 272 के वर्ग के इकाई के अंक से कि आऊगा 4 आऊगा। यह तो मैं तुम्हें डिटेल समझाया है कि वर्ग पहला पता करके फिर कि आया है वह, पर जब असी इस सम दे विच वर्ग नहीं पता करना, सानू वर्ग पता करने की लोड़ नहीं, सिर्फ उहदा इकाई का अंक आपां देखना। तो इकाई का अंक देखण दा तरीका क्या है, आपां जिस संख्या का वर्ग पता करन नूं सानू कहा है उहदी इकाई इस थान ते देखना कि ना, उस संख्या की इकाई इस थान ते देखना। तो इत्थे जिहड़ा है 272 दे इकाई दे स्थान ते किन्ना है 2, फिर असी उहदा वर्ग करांगे। आपां लिखांगे इत्थे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है किन्ना है 2, फिर आप वर्ग करांगे 2 का वर्ग किन्ना होंदा 2 गुणा 2 आपस में 2 बारी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 गुणा 2 किन्ना होंदा 4, इहदा वर्ग जिहड़ा बन गया 4। इसलिए यह साडा आंसर आ गया। कई बार ये संख्यावां 2 अंकां दी होंदियां तां उहदा जे मान लो आ जाता 25 तां उहदे इकाई के अंक भी देखना सी किन्ना है 5, ठीक है। तो यह तो है एक अंक का, यह मतलब ये इकाई का ही स्थान हो गया, यानी कि यह साडा जिहड़ा है आंसर आ जाएगा। फिर असी लिखांगे भी 272 दे वर्ग दे इकाई का अंक जिहड़ा है बराबर है 4 है, यह साडा जिहड़ा है आंसर आ गया, यह साडा आंसर है। तो हुण अगे एक सम है इहदा 6th पार्ट, 26,387 है संख्या, ये वर्ग के इकाई के अंक दे, हुण असीं इहदा वर्ग नहीं पता करना, सिर्फ उहदा इकाई का अंक पता करना। वह पता करने का तरीका क्या है, असी इस दे इकाई दे स्थान ते पहला देखना इत्थे इकाई का अंक, इकाई का अंक यानी कि इस सम दे विच इकाई का अंक किन्ना है 7, फिर आपां 7 का वर्ग करांगे, 7 का वर्ग चाहे 7 की पावर 2 लिख लो, 7 गुणा 7 लिख लो सीधा, चाहे 7 गुणा 7 या 7 10 के किन्ना 49, हुण 49 के इकाई के स्थान पर किन्ना है 9, इसलिए ये वर्ग के इकाई के स्थान पर किन्ना होगा 9, फिर आप लिखांगे इसलिए 26,387 दे वर्ग दे इकाई का अंक बराबर है 9। एक होना इकाई का अंक, 2 नहीं होने, इकाई का अंक मतलब 9, 49 नहीं लिख देने, आप सिर्फ इकाई वाला लिखना, यूनिट प्लेस वाला ही लिखना, वंस प्लेस वाला ही लिखना है। तो इकाई का अंक बराबर है 9, यह आ गया है आंसर। तो इस तरह जो आ 8th सम करना हो 99,880 दे वर्ग दे इकाई दे अंक ते जिहड़ा है क्या आऊंगा, फिर आप लिखांगे इत्थे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है किन्ना 0, फिर आप करांगे 0 का वर्ग मतलब 0 गुणा 0 या 0 की पावर 2, यह किन्ना हो गया 0, इसलिए 99,880 दे वर्ग जो साढ़े को पूछा है उत्थे दे वर्ग दे इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर है 0 जिहड़ा है वह आंसर है। तो हुण दूजे नंबर वाले सम हन अगे, हेठ लिखिया संख्यावां स्पष्ट रूप
पूर्ण वर्ग संख्यावां नहीं हन, यानी कि जो संख्यावां हन ये ओबियसली परफेक्ट जो स्केयर नहीं हैं, परफेक्ट स्केयर जो होंगे वो संख्यावां कड़िया होंगे जिन्हों का स्केयर रूट पूरा पूरा आ जाता है, यानी कि आ कुछ मैं परफेक्ट स्केयर जो वैल्यू है संख्यावां हैं पूर्ण वर्ग संख्यावां वो लिखी हैं। पहली पूर्ण वर्ग संख्या एक होंगी है, फिर 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये पहलिया 10 पूर्ण वर्ग संख्यावां हैं। तो इन्हों देख तो आप एक नतीजा कढ़ते हाँ कि इन्हों के इकाई के स्थान पर जोड़े है वो इन्हें देखो तुम एक आ जाता, 4 आ जाता, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 तो जीरो वाले ये ख्याल रखने वाला है कि 2 जीरो आदि हैं, 10 का वर्ग है 2 जीरो, जो 20 का वर्ग करेंगे 400 वो भी इकाई यानी कि 2 सिफर जो राइट साइड से यूनिट प्लेस से राइट हैंड दे प्लेस से 2 लगातार 0 आदि हैं। तो फिर इन्हों असं जो देखा ध्यान के नाल इन्हों किसी भी संख्या की इकाई के स्थान पर 2 नहीं है, 3 नहीं है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, यानी कि इतों नतीजा क्या निकलता तो कोई भी जी पूर्ण वर्ग संख्या है वो इकाई के स्थान पर कदे भी 2 नहीं हो सकता, ना 3 हो सकता, ना 7 हो सकता, ना 8 हो सकता। यदा मतलब जे किसी के स्थान के उपर इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो तो जान जो 0 दिया संख्यावां जो टांक संख्या के होनी कि 1 जीरो हो, 3 हो, 5 हो, 7 जीरो लगिया हो भी जो जो पूर्ण वर्ग जोड़ा है नहीं होगा। ये एक साढ़े को पता ही है सू इस गल का, असं नतीजे क्ढे हुए हैं। तो यह तो अगलिया संख्यावान जो असं 11 भी ले लीए, 11 का वर्ग करा तो इकाई के स्थान पर 1 ही आऊंगा, 21 का वर्ग करा तो भी वो स्थान पर 1 ही आऊंगा, 31 का करा तो भी इकाई के स्थान पर 1 ही होगा, ऐसे 2 का जो इकाई के स्थान पर 4 है, जे 12 का करूंगे तो भी 4 आना, जे 22 का करूंगे तो भी 4 आना, चाहे 222 का करूंगे वो इकाई के स्थान पर भी 4 आऊंगा। यदा मतलब इदा भी कोई भी पूर्ण वर्ग संख्यावान नहीं हैं जिन्हों के इकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। तो हूँ जो साढ़े को सम दिता हुआ सानू भी दसो भी ये जी असं कह सकते स्पष्ट रूप में पक्की तरह कह सकते कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों कह सकते, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर 7 है। तो फिर आप रीजन यही देना इतने लिखा क्योंकि इस दे इकाई दे स्थान ते 7 है, इकाई के स्थान ते 7 है, इसलिए आ गया 1 डॉट उपर 2 थले देयरफॉर इसलिए, इसलिए 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, यही रीजन है यदा, क्योंकि ये इकाई के स्थान पर 7 है। तो जो कोई भी संख्या होकाई के स्थान पर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो कदे भी जी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। इस तरह यदा आप देवे क्योंकि ये इकाई के स्थान पर किन्ना 2 है सानू पता है, 2 कदे भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के स्थान पर नहीं हो सकता। तो यह भी आप यही रीजन देना क्योंकि इस दे इकाई के स्थान पर इकाई दे स्थान पर कितना 2 है, इसलिए ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका भी आप यही रीजन देते हूँ। एक जी पूर्ण वर्ग संख्या क्यों नहीं है, मैं थोड़ा पहला भी दसिया कि पूर्ण वर्ग संख्या होने वास्ते जो एंड में जीरो लगिया होनी चाहिए, जां तो वह 2 होनी चाहिए, तो जां वह 4 होनी चाहिए, जां वह 6 होनी चाहिए, यानी कि 2, 9 के पेयर के होनी चाहिए जीरो, ता ही वह जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जे 0 3 हो लगिया, 1 हो लगी, 5 हो लगिया, तो जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर यदा रीजन आप क्या देवे क्योंकि इथे अंत विच 3 सिफर
क्योंकि इत्थे अंत विच तीन सिफर हन, इसलिए ए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जहां कह सकते इत्थे अंत विच टांक संख्यावां लगियां होईयां, टांक सिफरां लगियां होईयां हन, क्योंकि इत्थे अंक विच टांक सिफरां लगियां होईयां, यानी कि तीन सिफरां लगियां होईयां जां पंज लगियां होईयां, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इहदा वी इन्ना ही आंसर है। तो हुण आपां 6.1 दे तीजे नंबर वाले सम जिहड़े आ उह करदे हां। हेठां दित्तिया संख्यावां विच किस दा वर्ग टांक संख्या होवेगा? आह संख्या है एक दे है ते के है, इहदे विच दसणा वी किहदा वर्ग जिहड़ा है वर्ग टांक संख्या होवेगा। उसदा रूल एक ही है कि जिहड़ी संख्या टांक है उसदा वर्ग भी टांक होवेगा, जिहड़ी संख्या जिस्त है उहदा वर्ग भी जिस्त होवेगा। तो हुण फिर आपां देखांगे इत्थे जिहड़ा 431 आ, दसो वी जिस्त है जां टांक है, क्योंकि इकाई दे स्थान ते एक है इसलिए जिहड़ी टांक है। फिर आपां लिखांगे क्योंकि 431 टांक संख्या है, टांक मतलब ओड संख्या है, क्योंकि 431 टांक संख्या है ओड संख्या है, इसलिए इस दा वर्ग भी टांक संख्या होवेगा। ते दूजा अगला सम है ये किन्ना है, इकाई दे स्थान ते 6 है, ये जिस्त है। फिर आप लिखांगे क्योंकि ए एक जिस्त संख्या है, जिस्त संख्या है, इसलिए इस दा वर्ग जिस्त होवेगा, जिस्त होवेगा। ते तीजा जिहड़ा है ए संख्या क्या है? टांक। फिर इहदा लिखांगे क्योंकि ए टांक संख्या है, टांक संख्या है, इसलिए इस दा वर्ग टांक संख्या होवेगा, टांक संख्या होवेगा। तो आस है कि जो वीडियो थोड़े लिए लाहेवंद होगा, थोड़े लिए बेनीफिशियल होगा, तो कृपा करके होर बच्चों भी जो वीडियो जरूर शेयर करो ताकि किसी होर भी बेनीफिट मिल सके। तो वध तो वध प्रैक्टिस करा करो, खुद प्रैक्टिस करने के नाल ही जो मैथ आता है, तो आप वीडियो देखी जाते या पढ़ी जाते इन्ना मैथ नहीं आता, तो जिन्ना खुद अपने हाथों के नाल करन दे नाल आता, इसलिए वध तो वध प्रैक्टिस करा करो। थैंक यू वेरी मच।